चलिए बिरला सभागार का रुख करेंगे, जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह कार्यक्रम के दौरान मंत्री ममता भूपेश क्या कुछ कह रही हैं, चलिए सुनवाते हैं। माननीय खिलाड़ी लाल बैरवा साहब हमारे बीच में विराजे हुए, मदन मेघवाल साहब, जयपुर की मेयर मुनीषी जी, बीएल बैरवा साहब जो लगातार हम सब लोगों के संपर्क में है, भजन लाल रोनल साहब हमारे बीच में, पूर्व सांसद सम्मानी करण सिंह जी भी विराजे हुए, पूर्व विधायक सम्मानीय भगवान साहेब सैनी जी भी हमारे साथ में हैं, सभी बहनों और भाइयों, विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे तमाम साथीगणों, बहुत ही सुंदर आयोजन। और जब मैं मंच पे सम्मानीय मंत्रियों का नाम ले रही थी तो जब पहले कभी कार्यक्रम होते थे तो बोलते थे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, आज ये मंच सुशोभित है हमारी ताकत के साथ में, अशोक गहलोत जी की प्रेरणा के साथ चार कैबिनेट मंत्रियों की राजस्थान के अंदर ये ऐतिहासिक फैसला अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के लिए किया गया। और मैं समझती हूँ कि आपके बीच में, हम सबके बीच में ताकत का जो पुंज आया है वो अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से आया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी पार्टी के अंदर काम कर रही हूँ। और जब मैं पहली बार विधायक बनी 2008 में, साथियों मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि जब मैंने विधायक बनी 2008 में तो मैंने सबसे पहले सोचा कि लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थान पे जाते हैं कि उनको अपनी याद रहती है कि मैं बड़ा कोई कार्य करके कहाँ गई। और मुझे खुशी है कि मैं जब विधायक बनी तो मैं सबसे पहले दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर मैंने उस स्थान देखा कि कहाँ उस महान पुरुष ने हम सब लोगों के लिए प्रेरणा। और उसके बाद में मैं पूना गई फूलेवाड़ा, मुझे खुशी है कि मैंने महात्मा ज्योतिराव फुले जी की और सावित्रीबाई फुले जी का वो स्थान जहां संघर्षों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, उस स्थान को आंखों से देख के, मन से महसूस करके मैं वहां से जब वापस आई तो मेरे दिल के अंदर एक अलग प्रकार का ऊर्जा स्रोत था कि जब बहुत थोड़े संसाधनों में बिना किसी कलयुगी जीवन के जब उन महान पुरुषों ने हमारे लिए इतना कार्य किया तो आज हम पूरे संसाधनों के साथ में जी रहे हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रेरणा लेके मैं वहां से निकली। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगी साथियों कि जब भी आपका भ्रमण करने का मन हो, हमारी आन बान शान के प्रतीक फूलेवाड़ा और दीक्षा भूमि में आप जरूर जाकर देख कर आइए कि किस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने छोटी सी कुटिया के अंदर, छोटी सी कोठड़ी के अंदर किस तरह से कुएं से पानी खींच के, और कैसे सावित्रीबाई फुले न सिर्फ शिक्षा के प्रति, मैं समझती हूँ स्वास्थ्य के प्रति भी अलग जगाने में उन्होंने उस जमाने में अपना विशेष योगदान दिया, महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति चिंतित किया। आज मुझे इस मंच के माध्यम से चर्चा करते हुए दुख भी है और खुशी भी, केंद्र सरकार जहां प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये प्राइवेटाइजेशन का नाम जो है वो किसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, किसके घर और परिवार के अंदर से रोशनी उजाड़ी जा रही है। प्राइवेटाइजेशन नाम बहुत छोटा है लेकिन साथियों आपका और हमारा भविष्य अंधकार के अंदर इस प्राइवेटाइजेशन नाम के साथ में डूबता जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि पिछले 3 वर्षों के अंदर 1 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार, नौकरियां हमारी सरकार के माध्यम से मिली, उसमें आपके और हमारे भाई और बहनें भी शामिल हैं, और लगभग 1 लाख रोजगार और लगभग 6-8 महीने के अंदर आपके और हमारे दरवाजे पे दस्तक देने जा रहे हैं, खुशियां देने जा रहे हैं। मैं बार-बार प्रणाम करना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति को, हम याद कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को, हम याद कर रहे हैं ज्योतिराव फुले को, सावित्रीबाई फुले जी को, और लोग याद करते हैं भारत के अंदर महात्मा गांधी को। और अगर आज के इस युग में इन तीनों लोगों का और भी अन्य हमारे प्रेरणा पुरुष जो हैं उनके रास्ते पर अगर कोई चलने का कार्य कर रहा है तो ये व्यक्ति जो हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं, आपके और हमारे घरों के सुख और दुख की भावनाओं को देखते हुए इनकी कलम के अंदर जो
ताकत है वो हर वक्त आपके और हमारे बारे में सोचती है। हमारी सबकी आन बान और शान के प्रतीक है अशोक गहलोत जी। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी का इस प्रांगण के अंदर समारोह के अंदर इस्तकबाल करें, इनका स्वागत सत्कार करें। क्योंकि जब कार्य किया जाता है और जब कार्य करके कोई उनको ये कहता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कि आपने हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य किया, आपने हमारे लिए जरूरतों के आधार पर कार्य किया, तो उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की स्फूर्ति और दोगुनी हो जाती। आज हम इनको इतने उत्साह के साथ में भेजेंगे कि निश्चित तौर पे जब दोबारा इनके हाथ में कलम आएगी तो उस कलम से आपके और हमारे भविष्य के अंदर फिर से सुनहरे अक्षरों के अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। इसी बजट के अंदर साथियों 500 करोड़ रुपए SC ST के लिए विशेष विभिन्न विभागों के माध्यम से खर्च करने के लिए बजट में प्रावधान किया है। वो सिर्फ आपके और हमारे लिए, उसके बीच में कोई नहीं। आयोजना विभाग के द्वारा उसका प्रोग्राम किया जा रहा है, जो विभाग मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि वो पैसा सही जगह पे खर्च। जिस विभाग की मैं